लखनपुर में आज सांबा एडमिनिस्ट्रेशन और कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन की कोविड को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें ये तय किया गया जो लोग कोविड के एसओपी की वायलेशन कर रहे हैं उनके साथ किस तरह से निपटा जाए। सर, आज कुछ खास मीटिंग हुई है सांबा का एडमिनिस्ट्रेशन और आज आप उसमें कोई बात हुई है कोविड को लेकर? देखिएगा, जैसा आपको पता है कि जितनी भी हमारी LMVs आ रही हैं वो या तो लखनपुर में या फिर सांबा में अब टेस्ट हो रही हैं, लेकिन इसमें बीच में कुछ स्लिपेज भी थे, कुछ लोग जो है अवॉइड कर रहे थे, तो उसको किस तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं वो सभी सब टेस्ट हों, तो उसी के रिगार्डिंग हमारी यहाँ पे एक मीटिंग थी और ज्वाइंट हमारी सांबा की और डिस्ट्रिक्ट कठुआ की मीटिंग हुई, ताकि हम जितने भी लोग हमारे अगर आ रहे हैं तो उन सबको जो है टेस्ट किया। मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, क्योंकि जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें एहतियात बरतें, हम मास्क का यूज़ करें और उसके साथ ही अपने घरों से जब तक ज़रूरी ना हो ना निकलें, और ख़ास तौर से अपने जो बच्चे और बूढ़े हैं उनका खास ख्याल रखें, उनको अननेसेसरी ट्रैवल ना कराएं। अमरनाथ यात्रा को लेकर किस तरह से मतलब की तैयारियां जो है लखनऊ में की गई, जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है? देखिएगा, वो अभी हमारी जिस तरह से गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी उस हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी, अदरवाइज अभी हमारा जो एज़ पर जो हमारा जो पास प्रैक्टिस है उसी तरीके से हम तैयारी। आज जैसे कि माधापुर में मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया है और उनका ये कहना है कि हमको पास इशू करवाए जाए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिएगा, उसमें भी जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी वही फॉलो की जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों के रोज़गार के साथ साथ लोगों की जान, दोनों चीज़ों के बीच में हमने बैलेंस बनाना है, उसमें जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी वो जो है उसी को फॉलो किया जाएगा। थैंक यू। लखनपुर से अनिल शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़।